नमस्कार, मैं विमल कुमार, आप सबका फिर से स्वागत है। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के सीतामढ़ी के बथनाहा के विधायक अनिल राम बक्सर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, और उस विधानसभा से यानी उस लोकतंत्र के मंदिर से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को बाहर फेंकना निंदनीय है। लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसमें भी देखने को मिलता है। ये संपूर्ण बिहारवासी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को मार्शल के द्वारा उनको विधानसभा से बाहर निकाला जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो विधानसभा में सवाल पूछते हैं। जब हम लोग विधानसभा में खड़े होते हैं तो माइक को बंद कर दिया जाता है, तो ये स्थिति बिहार विधानसभा की है। उनका कहना है कि हमारे नेता है विजय सिन्हा और उनकी भी विधानसभा के अंदर नहीं सुनी जाती है। अनिल राम दावा करते हैं कि 2024 और 25 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी, इसके लिए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष का जो दायित्व है वो विधानसभा के एक एक सदस्य के लिए समान होता है। हमारे जो नेता है आदरणीय विजय सिन्हा जी, उनके बातों को भी नहीं सुना जाता है। हम लोग बिहार के एक एक विषय को विधानसभा के पटल पर रखने का काम कर रहे हैं। जो प्रदेश में भ्रष्टाचार है, जो प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की बेहद स्थिति खराब है, प्रशासन की जो ढुलमुल रवैया है, और जो आपका पुलिस प्रशासन का अभी आए दिनों में जो घटना आपने देखा, उस घटना से पूरा बिहार डरा हुआ है। और आने वाले समय में हम लोग 2024 और 2025 में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिखा देगा और बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। अनिल राम कहते हैं कि वर्तमान के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वह एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं, जबकि हमारे समय में हम जब सत्ता में थे तो उस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा होते थे वो सबकी सुनते थे और ज्यादा से ज्यादा समय विपक्ष को दिया करते थे। लेकिन हाल की जो सरकार है इसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है वो यहाँ के नेताओं के इशारे पर काम करते हैं। सदन चलने के दौरान इनको इशारा किया जाता है और अध्यक्ष उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। आप पहले भी देख सकते थे कि जब विजय सिन्हा जी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे तो वो विपक्ष को ज़्यादा समय दिया करते थे, और उस समय में जो विधायक का के क्षेत्र का एक एक जो प्रश्न होता था, जिस भी प्रश्न के माध्यम से वो अपना सवाल क्षेत्र की समस्याओं के लिए रखते थे, हर मंत्री और 100% उस मंत्री के द्वारा जवाब आया करता था। आज के परिदृश्य में ये स्थिति है कि कोई भी मंत्री किसी भी विधायक के, यहाँ तक कि उनके पार्टी के विधायक भी इस तरीके से पूरे तरीके से नाखुश होते हैं, कोई भी मंत्री उसका जवाब नहीं देते हैं। और अध्यक्ष जी के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई होता है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के इशारों पर काम होता है, सत्ता पक्ष की तरफ उनकी नज़रें होती है और उधर से सत्ता पक्ष के तरफ से उनको जो है इशारा भी दिया जाता है कि आप, अध्यक्ष जी को इशारा दिया जाता है कि आपको कैसे काम करना है। एक कहावत है, इतिहास खुद को दोहराता है, इसमें कितनी सच्चाई है हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मार्शल आउट करने की परंपरा, इसकी शुरुआत पहली बार नहीं हुई है। कई बार लोगों को मार्शल आउट किया गया। आपको याद होगा कि किस तरीके से 23 मार्च 2021 को सशस्त्र पुलिस बल विधेयक लाया जाना था और उस दौरान जो विधायक उसका विरोध कर रहे थे सबको मार्शल आउट किया गया था। 12 विधायक थे जिनको मार्शल आउट किया गया था। इस दौरान न केवल पुरुष विधायक को बल्कि महिला विधायक तक को नहीं छोड़ा गया था। कुछ वीडियो में यह भी देखा गया कि पुलिस विधायकों को पैरों से ठोकरें मार रही थी। कुछ विधायक काफी चोटिल हो गए थे, एक विधायक बेहोश तक भी हो गए थे। लेकिन उस समय भाजपा के विधायक को लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा था। अब लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि उनके मंत्री को मार्शल आउट किया गया है। इस पूरे मामले पर विधायक का क्या कहना है सुनिए। जीएस मिश्रा को बाहर फेंका गया, सब निंदनीय है, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत तो पहले इसके हम लोग लेफ्ट के लोगों को भी, राजद के लोगों को भी मार्शल आउट किया गया था, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुआ था पिछले बार। वो बात अलग थी, जब हम लोगों की सरकार थी उस समय में राजद के जो विधायक थे या जो माले और बाकी उनके गठबंधन के जो विधायक थे वो अध्यक्ष जी के कुर्सी के पास चले गए थे। वो किस अधिकार से वहाँ पर गए, उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा था उस पत्र को उन्होंने फाड़ दिया था। ये संवैधानिक नहीं है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है। हम लोग सिर्फ सवाल करते हैं, हम लोग सिर्फ पूछते हैं। माननीय जीवेश मिश्रा जी ने सिर्फ
उनसे इतना ही पूछा था, जो उनका प्रश्न था उसका उन्होंने जवाब मांग रहा था, और उसके बदले में अध्यक्ष जी सीधा तमतमा करके कहते हैं कि निकाल बाहर करो इसको। ये शब्द को जरा देखिए आप लोग, और ये पूरा बिहार भी देखा है कि एक जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि इसको निकाल बाहर करो। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विधानसभा में किस तरह की स्थिति पैदा जो है हुई है।